देश की राजधानी दिल्ली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से व्यथित दिल्ली का एक शख्स इतना खफा हुआ कि उसने भगवान से बदला लेने के लिए मंदिर में तोड़फोड़ की और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी विक्की मल उम्र लगभग 29 साल को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP प्रशांत गौतम ने बताया, शनिवार सुबह करीब 9 बजे मंदिर के पुजारी ने पंजाबी बाग थाने की पुलिस को फोन कर सूचना दी कि पश्चिम विहार इलाके में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, वहां का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भगवान शिव की मूर्ति के साथ अन्य मूर्तियों को नीचे गिरा हुआ पाया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर CCTV की मदद से जांच शुरू की और आरोपी के बारे में पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो लॉकडाउन से पहले उसके पिता रघुवीर नगर में कबाड़ी का काम करते थे। वह पिता के काम में हाथ बटाता था। लॉकडाउन लगने के बाद पिता की दुकान बंद हो गई और बिहार के अपने गाँव चले गए। इसके बाद युवक बेगाना हो गया। उसके पास न कोई काम था और कमाई का कोई दूसरा जरिया। ऐसे में वह भगवान को अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार मानने लगा। इसी से नाराज होकर उसने शुक्रवार की रात को इस घटना को अंजाम दिया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।